आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और इस चुनाव को देखते हुए जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो राजनीति का चेहरा है उत्तर प्रदेश का, वो लगातार आए दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड बदल रहा है। और बदले भी क्यों ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव वो चुनाव है जो कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति भी तय करता है कि केंद्र में किसको बैठाना है, किसको उठाना है, किसको गिराना है और किसे सत्ता पर आसीन करवाना है। तैयारियां जोरों पर हैं सभी राजनीतिक दलों की तरफ से, विपक्षियों की तरफ से भी, सत्ता दल की तरफ से भी, और प्रयास पूरा है कि आने वाले इस चुनाव में जो प्रमुख मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए। सरकार भी चाहती है और जानती है कि जिन योजनाओं को उन्होंने जमीन पर क्रियान्वित करवाया है, और विपक्ष जब सरकार में था तो उसकी वो कमियां कौन कौन सी हैं, उनकी भी पूरी फेरिस्त तैयार कर ली गई थी और उस पर चर्चा विचार विमर्श किया जा रहा था, जनता के बीच जाकर के बताया जा रहा था। लेकिन इन सबके बीच में जो दल बदलने का स्टाइल है, जो दल बदलने की राजनीति है, वो भी उत्तर प्रदेश में इस वक्त काफी जोरों पर है। समाजवादी पार्टी में बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी समेत कई सारे पूर्व और मौजूदा विधायकों ने सपा की सदस्यता ली, और सदस्यता के साथ साथ ये भी कहा कि मौजूदा सरकार में दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का, शोषितों का शोषण हो रहा है, और जब इसके लिए आवाज उठाई जाती है तो कोई कुछ नहीं बोलता, सरकार मौन होती है, मुख्यमंत्री मौन होते हैं और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते। ये वाक्या अभी 3 से 4 दिन पहले का ही है, जब समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगातार ज्वाइनिंग का जो सिलसिला था वो चल रहा था। इधर आज बीजेपी में एक बड़ी ज्वाइनिंग हो गई और उस ज्वाइनिंग में समाजवादी पार्टी की भी समस्याएं थोड़ी सी बड़ी हो गई। दरअसल यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव, जो बीते लंबे समय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी से प्रभावित दिख रही थी 2017 के बाद से ही, उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। कहा तो ये जा रहा था कि कैंट सीट को लेकर के कुछ घमासान मचा हुआ है, अपर्णा यादव चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन अभी जो सूत्रीय जानकारी मिली उससे यही पता चला है कि टिकट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उन्होंने बीजेपी की जो नीतियां हैं, मुख्यमंत्री की नीतियां हैं, प्रधानमंत्री की नीतियां हैं, उनसे प्रभावित होकर के बीजेपी ज्वाइन किया, ऐसा उनका कहना भी है। जब उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह के साथ कई सारे बड़े चेहरे मौजूद थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे, और अपर्णा यादव ने इस बात को कहा कि मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नीतियों से, बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर के बीजेपी ज्वाइन कर रही हूं। 2017 में अपर्णा यादव ने उसी कैंट सीट पर चुनाव लड़ा था, करीब 66,000 वोट भी पाई थी, लेकिन उस दौरान वो रीता बहुड़ा जोशी से, जो कि इस वक्त सांसद हैं, उनसे हार गई थी, बीजेपी की सांसद। लेकिन उस दौरान जब अपर्णा यादव चुनाव लड़ रही थी तो यही बीजेपी के नेता कहते थे कि यादव परिवार की बहू हैं, इनके पति 5 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं, कई सारे आरोप लगा रहे थे। फिलहाल आज वो सारे आरोप बीजेपी भूल गई और अपर्णा यादव को चुपचाप शांति से अपने घर बुला लिया, आगे क्या होगा ये देखना है। लेकिन इस पर पूरी राजनीति जो है वो काफी गरमाई हुई है। अखिलेश यादव से जब आज इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपर्णा यादव को बधाई देता हूं, मैंने, नेताजी ने, कई लोगों ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन अब वो गई हैं तो जहां गई हैं वहां भी समाजवादी विचारधारा को बहाएंगी, पहुंचाएंगी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार में आने के बाद 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, और भी कई सारी योजनाएं जो हैं उन पर उन्होंने प्रकाश डाला और ये कहा कि आने के बाद हम इन योजनाओं को और बेहतर तरीके से जनता के बीच में उतारेंगे, घर घर जाएंगे। आज एक डिजिटल रैली भी समाजवादी पार्टी कार्यालय में हुई है
और अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। और कई सारे बड़े नाम जो है वो समाजवादी पार्टी के टच में अखिलेश यादव ने ये बात कही है कि कई सारे विधायक जो हैं, कई सारे जो मंत्री हैं, वो लगातार समाजवादी पार्टी के टच में हैं और कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द सपा का दरवाजा खुल जाए तो उन्हें भी एक दो टिकट मिल जाए, क्योंकि बीजेपी तो टिकट काट रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने यह कहा है कि अब हम चुनाव में आ गए हैं तो हम किसी को टिकट नहीं देंगे, कोई भी उम्मीद ना लगाए, और बीजेपी जिसका चाहती है वो टिकट काट सकती है। गोरखपुर की सीट को लेकर भी इसी तरह का बवाल है, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने, और वहां से बीते चार बार से लगातार विधायकी जीतने वाले राधा मोहन दास अग्रवाल के लिए भी अटकलें लगाई जा रही कि वो भी समाजवादी पार्टी कार्यालय आना चाहते हैं, आएंगे या नहीं आएंगे ये देखना है हमें। लेकिन अगर वो आते हैं और सपा वहां से उन्हें प्रत्याशी बनाती है, तब उस सीट का समीकरण क्या होगा, ये देखना है हमें। उधर आज कांग्रेस ने अपना एक श्वेत पत्र जारी किया। भूपेश बघेल राजधानी लखनऊ में थे, प्रदेश कार्यालय पर थे, और वहां पर उन्होंने एक श्वेत पत्र जारी किया। उन्होंने कहा है कि सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई, उनकी समस्याएं चार गुना और हो गई। किसान आत्महत्या करने को परेशान है, बिजली का बिल हो गया, सिंचाई की समस्या, भुगतान ना हो पाना समय पर, कई सारे मुद्दों को लेकर के किसानों की आवाज बन करके कांग्रेस खुद को जनता के सामने पेश करने के लिए एक श्वेत पत्र के जरिए आज मीडिया के सामने आई थी। और इस श्वेत पत्र के जरिए उन्होंने कांग्रेस की नीति के साथ साथ किसानों की आवाज उठाने की बात भी कही कि अगर वो हम सत्ता में आएंगे तो किसानों को उनका हक मिलेगा। हालांकि किसानों को लेकर के लगातार कांग्रेस की तरफ से कोशिशें हैं, प्रयास है, चाहे लखीमपुर वाला मामला ले लीजिए जहां प्रियंका गांधी लड़ते झगड़ते पहुंची थी, गिरफ्तार भी हुई थी, अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी, उनके बेटे की गिरफ्तारी, और अजय मिश्रा टेनी की उनको बर्खास्त करने के लिए जिस तरह से लगातार प्रदर्शन किए कांग्रेसियों ने, यह भी जग जाहिर है। फिलहाल उत्तर प्रदेश का चुनाव है और चुनाव को देखते हुए जो कोशिशें हैं लगभग सभी राजनीतिक दलों की तरफ से यही है कि अपनी अपनी टीम को मजबूत किया जाए। कैंडिडेट्स पर विचार विमर्श किया गया है, लंबा मंथन किया गया, और ये कहा गया है कि जिसको भी उतारा जाएगा वो 30 मार खां है और वो इस बार जीत जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर विचार करना हमारा और आपका काम ही बचा है, क्योंकि विपक्ष तो कोशिश कर रहा है कि कुछ मुद्दों को उठाया जाए, लेकिन मुद्दों के साथ साथ भैया उनको अपनी पार्टी भी चलानी है, कार्यकर्ताओं को खुश भी करना है, गठबंधन में जो आए हैं उन्हें भी खुश करना है, तो वो जो मुद्दे हुए ना वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दब जा रहे हैं, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, कोविड के दौरान जो हमने और आपने देखा सरकार का बेहतर काम भी कहा जा सकता है उसे, क्योंकि सरकार कहती है, और विपक्ष के नज़रिए से देखा जाए तो ये कि काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था। और इसके अलावा महंगाई हो गई, महंगी शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर ना हो पाना, ये सारी जो प्रमुख समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर हमें और आपको विचार करना जरूरी है, और इन्हीं के ही हमें मुद्दों पर वोट देना है, अपने नेता को चुनना है, सरकार को चुनना है। फिलहाल आज की डिबेट मैं इसी मुद्दे पर करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो दल बदलने की कोशिश में लगातार नेता लगे हुए हैं, कुछ कामयाब हो गए हैं, कुछ पास हो गए हैं, कुछ अभी भी लटके हुए हैं कि भैया हमें कोई लेगा कि नहीं लेगा, और इसके साथ गठबंधन को मजबूत करने की जो कोशिश चल रही है ये आखिर कितनी कारगर सिद्ध होगी। लेकिन इन सब के बीच में अपना यादव का बीजेपी ज्वाइन कर लेना और बीजेपी के कुछ बड़े सीनियर लीडर्स का सपा में आ जाना, ये कितना कारगर सिद्ध होगा दोनों ही दलों के लिए। फिलहाल कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ, इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सके, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें, और अगर करते हैं जिन जैसे पेशेवर माफिया और अपराधियों को इन्होंने पहली सूची में स्थान दिया, अगर ऐसे ही करते हैं तो
तो जनता के सामने इनके सुगन को मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। कहा कि वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नीतियों से, बीजेपी की नीतियों से काफ़ी प्रभावित पहले से रही हैं। 2017 से ही हालांकि प्रभावित हो गई थी जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी, और उसके बाद से ही लगातार उन्होंने कोशिश यही की थी कि खुद को मजबूत किया जाए, और खुद को मजबूत करने के लिए उन्हें बीजेपी का ही दरवाज़ा दिख रहा था। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकातें होना, लगातार कुछ ऐसे ऐसे काम करना जिसमें सरकार के जो प्रमुख चेहरे हैं उनको आमंत्रित करना, बुलाना, मिलना जुलना उनसे, इसको लेकर के यादव परिवार में काफ़ी टीस भी हुई, काफ़ी बवाल कटा। लेकिन आज अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब मैं आपको मेहमानों से रूबरू करवाता हूं, जो जो आज इस डिबेट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी का पक्ष रखेंगे, और उसके बाद इस चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि दिवाकर सिंह हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। राम हृदय जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्रीतपाल जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। चंद्रेश कुमार सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में सुभाष चंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दिवाकर जी के पास आऊंगा, क्योंकि बीजेपी से हैं, सत्ता दल से हैं, सवाल इनसे पूछे जाने चाहिए। दिवाकर जी, आज कांग्रेस ने एक श्वेत पत्र जारी किया है, और उनका यही कहना है कि किसानों की समस्याओं को लेकर के सरकार मौन रही है, सरकार कुछ नहीं कहना चाहती। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे जब सरकार में आएंगे, दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल ये है कि अपर्णा यादव को आप लोगों ने बुला तो लिया, कैंट से प्रत्याशी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? क्योंकि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अपर्णा जहां भी गई है वहां पर समाजवादी विचारधारा को ही बढ़ाएंगी, तो क्या आपकी पार्टी में भी कुछ समाजवादी विचारधारा का प्रसार होना शुरू हुआ है? नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने डिबेट में हिस्सा दिया। पहले शब्द का आपका जवाब ये है कि कांग्रेस खुद श्वेत हो गई है, कांग्रेस पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए, तो श्वेत पत्र क्या जारी करेगा? उसके पास कोई न मुद्दा है न कोई उसके पास विजन है। अच्छा, कांग्रेस के पास तरह तरह के प्रयोग हुए, कभी राहुल गांधी जी का प्रयोग होता है तो कभी किसी का होता है, कभी अब प्रियंका जी का प्रयोग हो रहा है। तो उनके जो हैं बड़े लीडर, उनके पास जनता को बताने के लिए तो कुछ है नहीं, और जो काम है उसको विरोध करने के पास भी उनके पास कोई शब्द नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि इतने जनता खुश है भाजपा की सरकार से, योगी जी की सरकार से, माननीय मोदी जी की सरकार से, कि श्वेत पत्र में उनको आरोप लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं कि जो कहें। अच्छा, तो अगर ये अजय मिस्टर टेनी वाले मामले पर ये लोग बोलते हैं तो क्यों आप लोगों को दिक्कत होती है? नहीं, हमको दिक्कत नहीं है। तो कानून स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी आप लोगों ने अजय मिश्रा का नाम नहीं रखा। कानून अपना काम करता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय पूज्य महाराज जी के नजर में कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है, उसमें जांच हो रही है, जो जांच में सत्य होगा वो आएगा। वहां पे कुछ दुर्भाग्यवश घटना हुई थी जिसकी कोई भर्त्सना तो नहीं करते, लेकिन वहां का जो माहौल बन गया था उस हिसाब से वहां की घटना हो गई, जिसकी निंदा तो सभी लोगों ने किया। घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन घटना हो गई। दोषी कौन है, कैसे दोष सिद्ध होगा, ये तो कोर्ट का काम है। न्याय अपना काम कर रहा है, जो भी दोषी होंगे उनको दंड मिलेगा। सरकार कभी किसी भी तरह के अपराध को संज्ञान में लेकर के मुरव्वत नहीं करती है। जितनी कड़ी से कड़ी सजा होती है उतनी कड़ी से कड़ी सजा कानून के रूप में मिलेगी उनको। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त लेनी है तो रजिस्ट्रेशन करा लो, आपने कराया? अच्छा, ये बताइए, एक हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, अब उसको हम नहीं कहेंगे, हमारे बड़े नेता उस पे बोल चुके हैं कि पावर हाउस और अधियारा, अधियारा और पावर हाउस दोनों चीज का
समतुल्यता नहीं होती है। जी समझ गए जी 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 तो रह गई बात बड़े नेता हैं इसलिए उनके पे चर्चा नहीं कर, हमारे बड़े नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेंट अपना किया है तो उस पर हम नहीं कहेंगे। लेकिन जब अखिलेश यादव जी थे तब इनकी ये बिजली फ्री कहाँ थी और इनके शासन सत्ता की ये जो मलाईदार पदों पे इनके लोग बैठे हुए थे और बिजली कब आती थी कब जाती थी जब पता नहीं चलता था तब ये अखिलेश यादव जी की सोच कहाँ थी। अधियारा ही अधियारा चारों तरफ रहता था, न तार थे न तार थे न खम्भे थे तो बिजली देते कहाँ। आम आदमी पार्टी भी तो कह रही कि वो आ गए तो 300 यूनिट बिजली दे देंगे। भाई आम आदमी के पास जबान से देने के लिए सब कुछ है, जिसके पास कुछ नहीं था हवा में तो सभी लोग दे देते हैं, तो वो टक्कर में नहीं है। आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या वजूद है भाई? अरे आम आदमी पार्टी झाड़ू लेके अपना दिल्ली में कूद रही है, कूदे जितना कूदना दिल्ली में कूदे। और हम उत्तर प्रदेश के बारे में आम आदमी पार्टी का कोई भी धरातल पे कहीं भी कोई असर नहीं है। यहाँ आप खाली सपा को अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं? देखिए हो सकता है कि अगर अखिलेश यादव आ गए तो बिजली फ्री दे देंगे। देखिए अखिलेश यादव जी की कथनी और करनी में क्या अंतर है, उनके परिवार को लोग जान रहे हैं, उनके चाचा शिवपाल जी जान रहे हैं, जो आज उनकी स्थिति बनी हुई है जो हम लोग देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से। क्या स्थिति बनी है आप देख लीजिए, क्या सीट मिलनी थी, क्या मिल रही है क्या नहीं मिल रही है, तो कह रहे किसको मिल रही है किसको मिल रही है किसको नहीं मिल रही है, तो कथनी करने में क्या अंतर है? उनका वर्जन आया लालीपाप, ये चुनाव में लालीपाप के अलावा लालीपाप देने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। अच्छा। कहां से दे पाएंगे भाई? पावर हाउस न था न इनके समय में खंभे थे न तार थे। आज तो हमारी सरकार हमारे पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जगह जगह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जगह जगह कोई गांव अछूता नहीं है जहां बिजली न पहुंची है, जहां पूर्वा न पहुंचा, जहां रोड न बन गई हो, हर पूर्वे जुट गए हैं, जहां 500 की आबादी है पक्की सड़कों से जुट गया, हर जगह बिजली खंभे तार लग गए हैं, सबको बिजली मिल रही है। हमारे महाराज जी ने भी जितना हो सका बिजली का बिल आधा किया। इस समय शहरी क्षेत्र देहात क्षेत्र में 300 यूनिट कह रहे हैं वो फ्री देने का, किस तरह देंगे? हमारे महाराज जी ने तो आधा करके दिखा दिया, रेट आधा कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की बातें अखिलेश जी का लाली पाप है, चुनावी मुद्दा है, फार्म भरवाएं चाहे वोटरों के साथ प्रचार करें, एक फार्म उनका होता है। ये बेरोजगारी भत्ता पे जुआ देख चुके हैं, एक बार बेरोजगारी भत्ता के बाद इन्होंने क्या किया, अब पहली यूनिट बिजली फ्री होने के बाद ये क्या करेंगे, तो इनका पुराना इतिहास बताएगा। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। राम हृदय जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। राम हृदय जी, दिवाकर जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने बिजली आधी दाम पे दी है और आपकी सरकार तो बहस मतलब आपकी जब सरकार थी उस दौरान न खंबे थे न तार था, और अब आप कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली दे देंगे, शिवपाल जी भी खुश नहीं है ऐसा बता रहे वो। देखिए नितिन जी, सबसे पहले मैं खुद अपनी बात बता दूं, गाजीपुर गोपालपुर बिरनो ब्लॉक का रहने वाला हूं, 1 किलोमीटर दूर से हम लोग खंबे में तार लगा करके तो बिजली ले आते थे माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में। हमारा गांव लोहिया हुआ और हमारे घर तक पूरे गांव तक दलित बस्ती तक बिजली पहुंचने का काम हुआ। कई सालों से मैं 10 साल से हम लोग परेशान थे, 1 किलोमीटर दूर न स्थिति ये थी कि 3 खम्भा लेने के लिए बड़ी दिक्कतें होती है, 3 खम्भा से ज्यादा उससे पहले भी भाजपा की सरकार थी, उससे पहले भी बसपा की सरकार थी। अच्छा एक चीज और बता दो दिवाकर जी, अभी कुछ दिन पहले राम हृदय जी बीजेपी में ही थे, ये भी किसी समस्या को लेकर के नाराज हुए, पुराने परिचित हैं, लाभ हित देखते हुए राम हृदय जी हमारे इनको कौन सा लाभ मिल रहा है और इनका लाभ हित क्या है, अपना किस तरह से अपने हमारे पद में हमारे पार्टी में एक दर्जा प्राप्त इनको सदस्य बनाया गया, पार्टी ने सम्मानित किया, इनको सुरक्षा से सहित सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, आवास से लेकर सुरक्षा तक, अब इधर इनको चुनावी मौसम में क्या दिखाई दिया, इनको ऐसा लगा कि शायद कुछ समाजवादी पार्टी में पोटेंशियल है? नहीं, समाजवादी पार्टी के चक्कर में नहीं आए, ये जो मौसम होता ना उछल कूद का, उछल कूद होती है ना जब चुनाव आता है, तो उस तरह से इनकी जो सोच होगी, इनकी सोच होगी ये अपना समझेंगे कैसे इनका है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से मैंने 13 तारीख को ही इस्तीफा दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी में 5 साल में रहा और देखता रहा, मैं योगी जी से हर महीना निरंतर मिलता रहा और 13-14% रविदास समाज यहाँ उत्तर प्रदेश में निवास करता है, एक भी उन्होंने कैबिनेट मंत्री न राज्य मंत्री बनाया, और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में रविदास समाज की निवास करती है, जिस समाज ने 4-4 बार मुख्यमंत्री अपना बनाया हो और आप एक भी राज्य मंत्री तक नहीं बना रहे हैं, तो रविदास समाज अपने को अछूता और नाम दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ सबका साथ और कुछ लोगों का विकास, आप लिख लीजिए, सबका साथ कुछ लोगों का विकास हो रहा है
और माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार में रविदास समाज के दो राज्य मंत्री बनाए गए थे, माननीय मनोज पारस जी और रामकरण आर्या जी। आज स्थिति ये है कि भारतीय संविधान पे हमले हो रहे हैं, सरकारी नौकरियों का निजीकरण हो रहा है और आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग संविदा के माध्यम से नौकरियां लग रही हैं, उसमें एक भी एससी ओबीसी का हमारा भाई नहीं लग पा रहा है, ना बहन लग पा रही है। तो ये हमारे ऊपर नौकरियों पे, संवैधानिक अधिकारों पे, आरक्षण पे, संविधान पे हमला है। इसलिए हमने आज ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ, 13 तारीख को इस्तीफा दे दिया था भारतीय जनता पार्टी से, और आज हम सपा में शामिल हुए माननीय अखिलेश यादव जी के। जो समाजवादी पार्टी बनी है, ये संवैधानिक उसमें लिखा हुआ है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, तो उसको समाजवादी पार्टी ही भारतीय संविधान की रक्षा सुरक्षा करेगी, लोकतंत्र की रक्षा करेगी, ऐसे संकल्प और विश्वास लेते हुए बाबा साहब की हमने तस्वीर भी दी माननीय अखिलेश जी को, और आज दलित समाज पूरा उनको आज इस तरह से देख रहा है कि हमारे आरक्षण और संविधान को माननीय अखिलेश यादव जी ही बचाएंगे और अपनी सरकार में दलित और बिजली वाला क्या मामला है। देखिए बिजली वाला मामला आप देखे होंगे कि किस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी, आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, 100 डायल चलाया और 108 एम्बुलेंस चलाया, और आप देखिए कि इसी लखनऊ में पुलिस का हेडक्वार्टर इतना सुंदर बनाया है, मेट्रो दिया और लोक भवन तक बनाया। स्थिति यह है कि सब माननीय अखिलेश यादव जी के काम का शिलान्यास किया हुआ है, लोग उद्घाटन कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। 5 साल की सरकार में 5 काम ये बता दे, कोई एक सड़क बनवाए हो, कोई एक अस्पताल बनवाए, कोई बिजली घर लगवाए हो, कोई एक विश्वविद्यालय बनवाए हो, कोई काम नहीं किया। ये लोग केवल भाषण और राशन पे चुनाव जीतना चाहते हैं। मोदी जी खुद चाहते हैं कि योगी जी चुनाव हार जाए, भाजपा चुनाव हार जाए, पूरा ये मैं बता रहा हूँ। महंगाई मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर लाद दिया है। जो 50-60 रुपया में पेट्रोल मिलता था, 100 रुपया में मोटरसाइकिल में तेल भरा के आदमी अपना रिश्तेदारी परिवार यहाँ वहां चल लेता था, आज 500 रुपया का तेल भरवा रहा है। स्थिति ये डीजल जो आज आदमी जो है कि अपना 50-60 में भरवा लेता, 100 के ऊपर जा रहा है। सरसों का तेल जो 50-60 रुपया में खरीद लेता, 200 के पार जा रहा है। आज छुट्टा जानवर, आज जाड़े के टाइम में हर आदमी खेत खलिहान अपने गांव में स्थिति है कि छुट्टा जानवर से परेशान है, रात को सो नहीं पा रहा है जी। स्थिति यह है कि पूरा का पूरा जनता नाराज है और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार। ठीक है, मैं आता हूँ। प्रीतपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए आम आदमी पार्टी से। प्रीतपाल जी, दिवाकर जी बीजेपी से जुड़े हुए, अभी मैंने 300 यूनिट बिजली पर पूछा उनसे सवाल, मैंने कहा आम आदमी पार्टी भी कह रही, तो कह रहे आम आदमी पार्टी कोई वजूद ही नहीं है, वो झाड़ू लेके दिल्ली जाए, वहीं काम करें, यहां कुछ नहीं होना है। नितिन जी, 2013 में जब आम आदमी पार्टी वहां चुनाव पे उतरी थी, तब शीला दीक्षित वहां की 3 बार की मुख्यमंत्री थी, वो भी इन्हीं की तरह जो अहंकार रावण था इनमें है, दिवाकर जी में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है, इसी तरह की भाषा वो भी बोला करती थी। दिल्ली की जनता ने जवाब दिया, दिल्ली की जनता ने हमारे सिर पर ताज रखा और उस ताज का हम लोगों ने सम्मान भी किया और दिल्ली में हम लोगों ने वो करके भी दिखाया। ये कह रहे हैं कि 300 यूनिट अगर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की धरती पर उत्तर प्रदेश की जनता को देने के लिए इन्होंने गारंटी कार्ड अरविंद केजरीवाल का दिया है, 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है, पुराने बिल जो थे वो बकाया बिल जो है उनको खत्म करने का, नहीं ये तो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। नहीं, कौन बोल रहे हैं, नितिन जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं नितिन बोल रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता और हमारी तो सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने बिल आधा भी कर दिया। देखिए सब चीज पॉसिबल है, जब 2013 में मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली की कुर्सी पे बैठे थे तो पत्रकार महोदय, आप ही जैसे तो पत्रकार महोदय ने पूछा था कि भाई आप कैसे करोगे जब शीला दीक्षित कह रही है कि बिजली के बिल कम नहीं हो सकते, तो इतने बकाया चल रहा है बल्कि बढ़ाना पड़ेगा, तो आप करोगे कैसे? आपने कह दिया पानी माफ और बिजली हाफ, कैसे कर दोगे? अरविंद केजरीवाल ने कहा था मुझे ये नहीं पता मैं कैसे करूंगा, मैं अच्छी नीयत के साथ आया हूँ और अच्छी नीयत से किया हुआ काम जरूर सफल होता है। हम लोगों ने पानी मुक्त कर दिया और बिजली हाफ कर दी थी। लोग कंफ्यूजन में है कि आप लोग 403 सीट पे चुनाव भी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे और मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा, क्योंकि दूसरे राज्यों में तो लगभग आप लोग ने डिक्लेयर कर दिया है, उत्तर प्रदेश का कोई सीन ही क्लियर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, 403 सीटों पे आम आदमी पार्टी यहाँ लड़ेगी, हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को कह दिया है, हम 403 सीटों पे लड़ेंगे। रहा मुख्यमंत्री चेहरा, हमें आने दीजिए इसी धरती से। देखिए उत्तर प्रदेश की धरती केंद्र से लाती है, यहाँ पे मुख्यमंत्री ऐसे चेहरे की हमारी पार्टी में,
ये समय आने पे आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन लोग कंफ्यूजन में है ना, आम आदमी पार्टी ने गारंटी दी है, फर्स्ट फेज की वोटिंग होने वाली है लेकिन सीएम का फेज डिक्लेयर नहीं हुआ है। बिल्कुल हो जाएगा साहब, बिल्कुल हो जाएगा, थोड़ा समय का इंतजार कीजिए। जो जो वादे आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर किए हैं वो करने का मादा रखती है। हम लोग ने दिल्ली के अंदर जब आए थे, हम लोगों ने किया क्या? हम लोगों ने जो चोरी थी, जो लॉसेस थे उसको खत्म किया और हम लोगों ने देखे दिखा दिया। दिल्ली के अंदर आज 300 यूनिट जो बिजली मिलती है वो 73% लोगों को मुफ्त बिजली, वहां का उनका बिजली का बिल नहीं आता, पानी उनका मुफ्त रहता है, माताएं बहनें हमारी बसों पे आवागमन मुफ्त कर रही है। तो ये हम लोगों ने करके दिया। वाईफाई की सेवा हम लोगों ने वहां पे दी, कैमरे लगा के दिए पूरी दिल्ली के अंदर, स्ट्रीट लाइटें हर जगह लगा के दी। वो काम हम उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर करेंगे। हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, ना दे पाए तो 5,000 रुपए उनको भत्ता देंगे। देखिए आम आदमी पार्टी के पास एक विजन है, हम हवा में कोई बात नहीं करते। जिन्होंने कहा इनके स्ट्रम है योगी आदित्यनाथ जी, इनके परम पूजनीय नरेंद्र मोदी जी, डबल इंजन की सरकार, ये वो पता नहीं क्या क्या लगा के चलते हैं। डबल इंजन की सरकार में रात को 2 बजे एक बच्ची को, हमारी बेटी को जला दिया जाता है, ये डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार में कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव में बलात्कार करता है जिसको 2 साल तक योगी आदित्यनाथ बचाते रहती है। डबल इंजन की सरकार में अभी आपने देखा अजय मिश्रा टेनी के बेटा जो है आशीष मिश्रा टेनी जो है वो तेजी की रफ्तार से लाके और किसानों को रोक के चला जाता। डबल इंजन की सरकार ने रायबरेली में एक रिक्शा साइकिल चोरी के, बाइसिकल चोरी में एक दलित बच्चे को लेकर थाने में मार दिया जाता। डबल इंजन की सरकार में हरदोई में 5 दलित परिवारों की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, आगरा में हत्या कर दी जाती है। तो गोरखपुर में जो योगी आदित्यनाथ के किस मुंह को लेके जा रहे हैं वहां पे चुनाव लड़ने के लिए, वहां पे एक व्यापारी को पुलिस वाले उसने होटल में खींचते मार मार के मार देते हैं। ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। मैं आता हूं, हम लोग को वो सरकार चाहिए जो उत्तर प्रदेश में राम राज ला सके। रावण राज, राम के नाम पे रावण राज कोई पसंद नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। चंद्रेश सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से। चंद्रेश भाई, आज आप लोगों की तरफ से श्वेत पत्र जारी किया गया है। बीजेपी कह रही है कि आप लोग पूरी तरह से ब्लैंक है, पूरी तरह से खाली हैं, तो इस श्वेत पत्र का तो कोई मतलब ही नहीं बचा। इस आरोप का क्या जवाब है? और एक और अहम खबर मैं आपको दे दूं कि बीजेपी की तरफ से एक सुरक्षा चक्र जारी किया गया है, सुरक्षा जहां बेटियां वहां, और उस पोस्टर में अपर्णा यादव और संगमित्रा मौर्य इन दोनों को फेस बनाया गया है। तो इस पर भी मैं आप लोगों का जवाब लूंगा, पहले चंद्रेश आप अपना जवाब दीजिए। चंद्रेश जी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है अब? हाँ बोलिए चंद्रेश। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़का झूठा पार्टी है और इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पिछले 4.5 सालों में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को एक माफिया स्टेट बना दिया है, जहां लगातार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े और महिलाओं पर जोर और जुर्म हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने थाने से सरकार चलाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश के प्रशासन और थानों का पुलिस का राजनीतिकरण करने का काम किया है और इन सारी प्रक्रियाओं में उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मानवाधिकार का लगातार उल्लंघन हुआ है और मानवाधिकार आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार मेरी बातें पुष्ट भी होती हैं, जिसमें ये कहा गया है कि भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश भारत में नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार गरीबी में नंबर 1 पर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि उसके पास मुद्दे नहीं है, विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। जिला अस्पतालों का बोर्ड हटाकर उस पर मेडिकल कॉलेज लिख देने से चीजें ठीक नहीं होती। मुख्यमंत्री जहां से आते हैं उनके गृह जनपद में एक संविदा कर्मी समय से वेतन न मिलने के कारण आत्महत्या कर लेती है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाकामी का इससे बड़ा उदाहरण नहीं दिया जा सकता। उत्तर प्रदेश के जिलों के अंदर जो इंटरनल रोड है, दो डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाले जो रोड है, उनकी हालत देख लीजिए। केवल आपको
गड्ढे दिखलाई देंगे, रोड तो कहीं नामो निशान नहीं है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी, मैंने आपको आपके मंच पर बार बार कहा है कि इस बार जो वोट पड़ने जा रहा है वो हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए पड़ने जा रहा है, लखीमपुर के किसानों को न्याय दिलाने के लिए पड़ने जा रहा है। किस प्रकार से गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा कर दिया जाता है, और उस पुलिस इंस्पेक्टर के घर पर बुलडोजर चलाने की हैसियत मुख्यमंत्री के अंदर नहीं थी, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वोट पड़ने जा रहा है। और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 403 सीटों पर मजबूती से न सिर्फ लड़ेगी बल्कि भारतीय जनता पार्टी का और योगी सरकार का मतियामेट करने का भी काम करेगी। ठीक है सर। दूसरी बात, आपने कहा अपर्णा यादव जी का या किसी और का, देखिए इस चीज पर मैं बहुत ज्यादा डिबेट में नहीं पड़ना चाहूंगा। हर व्यक्ति का अपना राजनीतिक मत होता है और वो निर्णय लेने के लिए अपने नहीं, ज्वाइनिंग के बाद, ज्वाइनिंग के बाद मैं ये कह रहा था ज्वाइनिंग के बाद अब से थोड़ी देर पहले एक पोस्टर रिलीज किया गया है सुरक्षा चक्र के नाम से, जहां उसमें लिखा गया है सुरक्षा जहां बेटियां वहां, और उसमें पोस्टर में दो लोगों की फोटो है, एक फोटो अपर्णा यादव की है और दूसरी है संगमित्रा मौर्य की। तो क्या बीजेपी के पास यही दोनों महिला नेत्री थी? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी इसके माध्यम से एक जुमला तैयार करने की नापाक कोशिश कर रही है। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, ये छुपा हुआ है क्या? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े की महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़खानी और अपराध के मामले बड़े हैं, घटे नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता इतनी भोली नहीं है जितना योगी आदित्यनाथ जी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है चंद्रेश भाई, एक चीज और है, समझदारी से निर्णय लेगी। मैं ये कह रहा था, प्रकार से सुन लीजिए, मैं एक चीज कह रहा हूँ, मैं एक चीज कह रहा था कि जब आप फीमेल कैंडिडेट्स, सुनिए, जब आप फीमेल कैंडिडेट्स उतारते हैं तो बीजेपी कहती है कि आपके पास कैंडिडेट्स ही नहीं हो पाएंगे, और ये खुद पोस्टर रिलीज कर रहे हैं। हमने जब पहले चरण में हमने जो लिस्ट जारी की उसमें 50-40% महिलाओं को हमने सीट दिया कि नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट जारी हुई उसमें मात्र 10% महिलाओं को टिकट दिया गया है। तो बेटियां कहाँ हैं, बेटियां किसके साथ हैं, ये सब जानते हैं। अभी आप कॉलेज के सामने चले जाइए, रोड पर चले जाइए, बच्चियां गाना गा रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आधी आबादी कांग्रेस के साथ है। और एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहने जा रहा हूँ, हमारे बस 2 सेकेंड आप हमें दे दीजिए। भारत का संविधान नागरिकों को गरिमा और सम्मान की जिंदगी देने की बात करता है, लेकिन किस प्रकार से हाथरस की पीड़िता को मरने के बाद इस निरंकुश सरकार ने गरिमा और सम्मान के साथ उसके अंतिम संस्कार करने का भी अधिकार उस परिवार को नहीं दिया। मुझे लगता है कि योगी सरकार का यह जो कृत्य है वो सिर्फ एक जंगल राज या गुंडा नहीं, तो क्या आप लोग को सिर्फ ये उत्तर प्रदेश में दिखता है क्या, ये राजस्थान और जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ नहीं दिखता? आप एक राजस्थान का उदाहरण बता दीजिए जहाँ दिवाकर जी बताएंगे कूड़े के ढेर पे रख कर प्रशासन ने जला दिया हो, मैं आज ही राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है सर, मैं आता हूँ। कांग्रेस सरकार का एक उदाहरण बता दीजिए जहाँ राज्य ने किसी बलात्कार पीड़िता को कूड़े के ढेर पर प्रशासन की मदद से जलाया हो, मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। सुभाष यादव जी हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में। सुभाष जी, कई सारे मुद्दे हैं, चुनाव है उत्तर प्रदेश का और लगातार उत्तर प्रदेश का जो चुनावी चेहरा है, चुनावी फेस है, राजनीतिक का चेहरा है, वो मिनट दर मिनट बदल रहा है। कल तक किसी को नहीं पता था कि अपर्णा यादव, जो कि यादव परिवार की छोटी बहू है, वो भाजपाई हो जाएंगी। आज सुबेरे अचानक से पता चला कि वो भाजपाई हो गई, हालांकि कोशिश बहुत लंबी चल रही थी। दूसरी तरफ इसका कितना असर सपा पे जाएगा, मैं ये जानना चाहूंगा। अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे सकती है जब वो सरकार में आएगी। बीजेपी कह रही कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, हमने तो बिल आधा भी कर दिया, बीजेपी ने जो कर दिया वो सपा नहीं कर सकती है। और तीसरी चीज, कांग्रेस की तरफ से एक श्वेत पत्र जारी किया गया है किसानों को लेकर, कि किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही तो गई थी लेकिन किसानों की समस्याएं 4 गुना बढ़ गई हैं। इन बातों से आप कितना ताल्लुक रखते हैं और आपका क्या मत है? नितिन जी, मैं आपके सवालों का जवाब देने से पहले, आवाज आ रही है नितिन जी? जी हाँ, बोलिए सर। मैं थोड़ी सी 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। जी, आसानी से निकाल देते हैं दूसरों में, जैसे हम नेकियों के बादशाह हैं, अपने गुनाहों पर पर्दे डाल के हर पार्टी बोलती है सामने वाली पार्टी खराब है। अब आता हूँ मैं आपके सवाल के ऊपर, अपर्णा यादव वाले सवाल पर। जी,
तो जैसे अपर्णा जी का जो था पहले से ही झुकाव उनका पहले से भाजपा की तरफ था। आपको याद होगा कि जो प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान का जब आगाज हुआ था उस समय भी अपर्णा यादव ने खुलकर स्वच्छता अभियान का उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया था और मोदी जी की नीतियों का बहुत ही उन्होंने प्रचार प्रसार करने का प्रयास भी किया था। आए दिन वो योगी आदित्यनाथ की जो नीतियां उनको वो प्रचारित प्रसारित भी करती रहती है, उनको सराहती है वो, तो कहीं ना कहीं वो बगावत के सुर तो उन्होंने पहले से शुरुआत कर दी थी कि मुझे बगावत करनी है, सिर्फ वो वेट एंड वॉच कर रही थी कि कहीं टिकट मिल जाए मुझे कैंट से। लेकिन जब उन्हें ये समझ में आया कि मुझे कैंट से टिकट मिलना करीब करीब फाइनल नहीं होने वाला ना, टिकट मुझे मिलेगा, तो उन्हें लगा कि मुझे अपना कहीं ना कहीं राजनीतिक वजूद तलाशना पड़ेगा। और नितिन जी यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अपर्णा यादव की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है, और उन्हें ये चीज पता थी कि समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश जी के रहते मैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को क्विट करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। बीजेपी इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएगी? जी, उनका सबसे पहली राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो यही कि उनको टिकट मिले कैंट से। लेकिन मैं यहाँ बता दूं कैंट से टिकट उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो बात की बात है, क्योंकि सबसे बड़ा फेस तो यहाँ पे रेणुका इन्होंने अपने रीता बहुगुणा जोशी ने फंसा दिया है। उन्होंने स्पष्ट बोला है सुप्रीमो को, उनके भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को बोल दिया है कि चाहे तो आप मेरा सदस्यता जो संसद का पद का इस्तीफा ले लीजिए मैं, लेकिन मेरे बेटे को कैंट से टिकट दे दीजिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक हमें विस्तृत सूत्रों से पता चला है कि कहीं ना कहीं रीता बहुगुणा जोशी भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। अच्छा। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है कैंट से अपर्णा यादव को, तो कहीं ना कहीं उनके सामने रीता बहुगुणा जोशी के बेटे भी खड़े हो सकते हैं और ये लड़ाई बड़ी रोचक होगी। खैर, अच्छा। यहाँ पे मैं आपका सवाल का जवाब दे दूं, अपर्णा यादव जी के समाजवादी पार्टी के जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वास्तविकता ये है कि उनका कोई जमीनी जनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी के अंदर उन्हें कोई वर्क नहीं किया, उनके पीछे सिर्फ एक नाम लगा हुआ है यादव, मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधु। इसके अलावा अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो अपर्णा यादव का कोई जमीनी जनाधार नहीं है। तो ये बीजेपी क्यों कह रही है कि जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान है वहीं पे आज अपर्णा यादव आई है? महिलाओं के सम्मान भारतीय जनता पार्टी अगर ना करे तो बहुत ही अच्छा है, ये हाथरस भूल जाते हैं लोग बड़े जल्दी, और भी बहुत सारे ऐसे कांड। अच्छा, चंद्रेश कह रहे थे हाथरस के बारे में बार बार उन्होंने कई बातें कही, हालांकि मैं कुछ कह देता तो शायद राजनीति छोड़ने की बात हो जाती, लेकिन राजस्थान की रिपोर्टें भी कई सारी खुलासे करते हैं। नितिन जी मैं उस पे भी आ रहा था, लेकिन वो आपके दूसरा सवाल समय आऊंगा चंद्रेश भाई, मैं आऊंगा। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला था ना कि अखिलेश यादव की जो 300 यूनिट बिजली का जो है सिर्फ चुनावी वादा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी यही पूछना चाहता हूँ कि अगर उनका चुनावी वादा है तो आप 5 साल सत्ता में थे, चुनाव की घोषणा हो गई, अब तक आप सो रहे थे, आपने आज बिल आधा क्यों कर दिया? ये चीज आप पहले भी कर सकते थे, आज आप बिल अगर आधा कर सकते हो तो जाहिर सी बात अगर कोई सरकार आ रही तो वो भी कर भी सकती है ना, वो तो उनका मैनिफेस्टो होगा, उनका एजेंडा होगा, यानी कहीं ना कहीं आप भी डर से अखिलेश यादव के जो वादे थे उनको डर को देखते हुए आपने उस बिजली के बिल को आधा करने की महसूस की, उसको कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे को आयना दिखा रही है ना, कि आयना देख लीजिए, खुद खड़े होकर देख ले कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनके 2017 के जो मैनिफेस्टो थे उसके अंदर इन्होंने कुछ काम नहीं किए हैं, कि जितने भी अपनी वाहवाही कर ले अपनी खुद की पेट तपा ले। आते हैं नितिन जी चंद्रेश कुमार जी की, भूल गए शायद कुछ दिन पहले अलवर में घटना हुई थी, बहुत ही विभत्स घटना हुई थी, इसको शायद ये लोग भूल गए, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप बता दीजिए तो मैं राजनीति छोड़ दूं। आप उस घटना का चंद्रेश भाई बताने दीजिए, जान तो ले कार्रवाई की कि नहीं की। अरे चंद्रेश भाई सुन तो लीजिए पहले, कार्रवाई की बात करेंगे तो पहले बता रहे लीजिए, सुभाष जी बोल ले पहले, दो मिनट। अरे चंद्रेश भाई पहले सुन तो लीजिए, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, पहले सुन लीजिए भाई। कार्रवाई की बात अगर करेंगे तो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई की बात मत करिए, वो लिपापोती होती है। आपने बोला ना कि कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं हो रहा है, तो ज्यादा दिन नहीं हुए, 4-5 दिन पहले की बात है, वो मूक बधिर लड़की थी, बोल नहीं सकती थी, गूंगी बहरी लड़की के साथ रेप किया गया, उसके मैं बोले गुप्तांगों के अंदर रॉड से वार किया गया, क्या कर रही थी आपकी सरकार? आपकी सरकार को भी तो देखना चाहिए ना, आप फटाफट दूसरे को संकट उठा देते हैं कि लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ, अरे लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ कि जो पोस्टल गर्ल थी आपकी उत्तर प्रदेश की, आपने उसका टिकट काट दिया, तो ये बोलना है समाजवादी पार्टी। चंद्रेश भाई अपनी बारी पे, अपनी बारी पे प्लीज चंद्रेश भाई। दूसरे के गिरेबान में आप झांकते बहुत सही बात है, लेकिन आपकी सरकार की जो नाकामियां उसको भी देखिए, आप जो नारा दे रहे हैं उसको देखिए, आप उन सब चीजों को देखते नहीं भैया, अपना कॉलर तो खुला था, दूसरे कॉलर को पहले झांक लेते हैं, यहाँ दूसरे का कॉलर गंदा है। हम उससे कह रहे हैं कि कुछ ऐसा बता दो आप तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं मैं नितिन जी सुन रहा था, लेकिन मैंने कहा अगर मेरी बारी आएगी तभी मैं बोलूंगा, बाकी मैं जा नहीं रहा था क्योंकि इनको याद नहीं आ रहा है। दूसरी नितिन कि हमारे जो एक भारतीय जनता पार्टी
उन्होंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत विकास हुआ, रोड बने, सड़कें बनी। तो नितिन जी, मेरा वीडियो वायरल हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, शायद 2 या 3 महीने पहले हुए। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और प्रदेश की राजधानी मुख्यालय से, मुख्यमंत्री आवास से महज 8 या 10 किलोमीटर दूर उत्तर विधानसभा है, जहाँ की सिटिंग विधायक है नीरज वोरा जी। उन्हीं के एरिए के अंदर जो सीतापुर की रोड है, मेन रोड के ऊपर पिछले 6 महीनों से एक बहुत ही गड्ढा था, 3.5-4 फुट का गड्ढा था जी। और मैं मेरे लोगों के साथ जाके, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, मेरे से मदद मांगने के लिए आए थे, उस गड्ढे के अंदर, उस गहरे गड्ढे के अंदर मैं जाके खड़ा हुआ था। 6 महीने से गड्ढा भरा नहीं गया था जी। उसको हमने आंदोलन किया तो उस गड्ढे को भरा गया टेम्पररी तौर पर मिट्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी ये बात ही नहीं करे कि हम लोग रोड बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, ये सिर्फ पैसे वाला काम कर रहे हैं, सिर्फ झूठ और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, सारे मुद्दों को साइड करके लोग राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। दिवाकर जी क्या कहना चाह रहे थे? पहली चीज तो ये कि बीजेपी की इस तरफ से क्या बाकी की रणनीति रहेगी, और आपने लगभग सभी की बात सुनी, आप बहुत कुछ कहना चाह रहे थे बार बार, अब अपनी बात पूरी कीजिए। पहले तो मुझे बताइए किसका जवाब देना है? आप जिसका जवाब देना चाहे उसका दीजिए, देना सबका है। जी जी जी। तो राजनीतिक विश्लेषक महोदय जो हमारे सम्मानित हैं, इनकी बातों में बता दें, जरा अपना नजरिया ऐसा रखिए कि जिससे न लगे किसी के पक्षपात का। उन्होंने तो सबके लिए बोला। जी जी जी। तो मैं पहले कहना चाहता हूँ, जरा सा इस पे ध्यान दें, पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी माननीय जोगी जी के नेतृत्व में जितना अच्छा से अच्छा। पहले तो आप ये बताइए कि आपने मुझ पर अभी फट से एलिगेशन लगाया कि नजरिया बराबर होना चाहिए। पहले तो आप मुझे बताइए कि मैंने भाजपा को काउंटर किया, दूसरे को डिफेंड किया क्या? पहले आप मुझे उसका सवाल जवाब दे दीजिए। मेरा जवाब सुनिए, आपको सब मिल जाएगा, आपको सब मिल जाएगा। बताइए आपको काम, देखिए कांग्रेस का फेवर किया, आप हमारी बात सुनिए, आपका काम है, आपने पहले बताइए मुझे। सुनिए, आपका काम है भाई साहब, आपका काम है सरकार को आईना दिखाना, आप किसी दल के नहीं है। आपकी बात बहुत अच्छी मुझे लगी कि आप जो गड्ढा था जिसपे हमारे प्रशासन या हमारे प्रशासनिक अंग के लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, उस पर आपने आंदोलन किया, वो गड्ढा भरा गया, यही आपका सबसे बड़ा रोल है, इसीलिए आपको चौथा स्तंभ कहा जाता है, और इसकी मैं बहुत सराहना कर रहा हूँ। लेकिन जो सरकार के काम है उसको देखिए, इतना बड़ा प्रदेश, विश्व का 7वां बड़ा देश के बराबर आबादी, और कितने सुचारू रूप से बिगड़ी व्यवस्था को सुधारना, आप बता दीजिए। हमारे कांग्रेस महोदय कह रहे थे, मैं आपको नहीं, आपने कहा कि बिगड़ी व्यवस्था को सुधारना, आपने क्या सुधार किया? अरे आप सुनेंगे, मैं बीच में नहीं बोला, गरीबी बढ़ता जा रहा है, मैं बीच में नहीं बोला हूँ, कृपया सुनने का कष्ट करिए, बढ़ता जा रहा है, या तो आप बोलिए, इंडेक्स में भारत 101 आपका तरीका नहीं, सुनने की कोशिश करिए। चंद्रेश भाई, बात 70 साल आपने हल कर रखा था, क्या किया था आपने? कांग्रेस ने 70 सालों में, आज हमारी सरकार, अच्छा आपके शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश क्यों आते हैं अपने काम गिनाने के लिए? आज हमारी सरकार, दिवाकर जी कुछ बता रहे हैं तो सुन लीजिए भाई, किसको बनाया था आपने? बनाया था, आप सुनेंगे, आपने बनाया था, अरे आपकी बारी तो आती नहीं है, आपने बनाया, यही तो तरीका है आपका, जिसके पास कुछ नहीं होता ना वो गोदना, एक शब्द होता है गोदना, हवाई जहाज तक बनाया, हिमाचल में कहा जाता है जब कुछ नहीं होता है बताने को, उसमें शोर मचा दिया जाता है, शर्म नहीं आती है आपको? मैं चुप था, आप पहले मैनर सीखिए, आप उपलब्धि बताइए, पूरी सुनने की आप कोशिश करिए, साल में क्या किए हैं, आप बोल लीजिए, साल में आपने क्या किया? ठीक है चंद्रेश भाई, प्लीज चंद्रेश भाई बोलने दीजिए, चंद्रेश भाई बोलने दीजिए। देखिए उपलब्धि की बात मत कीजिए, उपलब्धि अगर बीजेपी ने 5 साल या बिताए तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बताएगी। आपके शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो है वो उत्तर प्रदेश आकर बताते हैं, ये तो चलो अपने राज्य में ही बता रहे, तो सुन तो लीजिए भाई, आप हमारे प्रधानमंत्री जी का, अरे चंद्रेश भाई सुन तो लीजिए, दिवाकर जी क्या कह रहे हैं भाई, हाँ ठीक है सुन लीजिए आप प्लीज सुन लीजिए पहले, दिवाकर जी क्या, धर्म की रक्षा करते हैं तो विकास की भी बात करते हैं, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करती है सरकार तो फाइबर केबल भी सामने बिछाती है, हम राम मंदिर का निर्माण करते हैं तो अंतरिक्ष में भी अपना यान भेजते हैं, आपने राम आप सुन लीजिए, 100 भेजने का, 101 एक साथ मिसाइल भेजने का रिकॉर्ड भारत सरकार का है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ, आप क्या बोल रहे हैं यार, आपको मैनर नहीं है, के कोने कोने से लोगों ने पहले सुनने की कोशिश करी, 1100 करोड़ रुपए की जरूरत थी, कोई बीच में नहीं बोला, चंदा दिया गया भाजपा ने, उसमें कितना चंदा दिया? चंद्रेश भाई पहले सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए प्लीज, पहले सुन लीजिए, मैं आऊंगा, बारी बारी बोलिए, ऐसे डिबेट नहीं होती है प्लीज। हाँ नहीं, लेकिन डिबेट में झूठ भी नहीं चलने देंगे, हाँ तो आप उस झूठ को सच करिएगा ना, आप उसको करेक्ट करिएगा, आप लिख लीजिए, आप राजनीति छोड़ दीजिए अलवर की घटना पे, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है, इस तरह से घटनाएं हो जाती है, घटनाएं कोई सरकार नहीं कराती है,
घटनाएं कुछ कंडीशनल हो जाते हैं जिसका इलाज सिर्फ एक है कि आगे से हम सजग रहें, उसी घटना न हो। प्रशासन इतना सख्त है, न्याय अपना काम करेगा, तुरंत अपराधी को सजा मिलेगी, यही सरकार का काम है। घटनाएं कंडीशनल होती है, कोई राजनीतिक घटना नहीं है, वो घटना किसी मानसिक रोगी की घटना है, इस तरह के मानसिक रोगी लोग करते हैं। ठीक है दिवाकर जी, आप आगे आप हमारी बात सुने। हम अपनी सरकार की उपलब्धियों जो उन्होंने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम सोमनाथ मंदिर भी बनाते हैं, राम मंदिर बनाते हैं, तो समुद्र में फाइबर की ऑप्टिकल केबल भी बिछाते हैं और अंतरिक्ष की यात्रा भी कराएंगे। सुन लीजिए, विज्ञान के क्षेत्र में आज तक हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में दूसरे देशों को कितना सहयोग किया है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। भारत सरकार ने अपने अपने सबसे सुरक्षित हुए हैं और औरों को भी विश्व में सुरक्षित किए हैं। जब आप इतना काम कर रहे हैं तो राम हृदय जी और प्रीतपाल जी ने बिजली मुक्त कर लीजिए। सुन लीजिए बात पे, वो लैब काम अरे यार इस आदमी को चुप कराइए। चंद्रे भाई प्लीज आप साथ रहिए, थोड़ी देर में आऊंगा आपके पास। और हमारी सुन लीजिए, बिजली पे जब तार ही नहीं थे, खम्भे नहीं थे, तो बिजली आधा करेंगे ही करेंगे इनकी। आज हमारी सरकार में बता दे कि कोई मौजा रह गया हो प्रदेश का जहाँ बिजली के तार खम्भे बल्ब न चल रहे हो, कोई घर रह गया हो हमारे आवास में, जो आवास बन रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास बन रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं हम दे रहे हैं, सबको आवास देने की प्रक्रिया में लगे, करीब करीब सबको आवास दे चुके हैं, 30 लाख से ऊपर आवास दे चुके हैं, भोजन दे रहे हैं, कहीं कोई गरीब नहीं भूखा सो रहा है, सबके सर पे छत है। और जितना भी राशन इस कोरोना काल में, आपने एक शब्द लिया था, कोरोना काल में अफरा तफरी मची थी और प्रदेशों के क्या हाल थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना समुचित ढंग से उसका निर्वहन किया, सबको घर पहुंचाने पूरी कोशिश की, सबको राशन दिया, कोई भूखा नहीं रहा। आज हमारी सरकार कुलपति सुन लीजिए, पहले इलाज नहीं हो पाता था, आज आयुष्मान के कारण, आयुष्मान कार्ड के कारण सब सरकारी अस्पतालों में, यहीं चले जाइए आप सिविल अस्पताल में, केबिन तक बनी, आयुष्मान वार्ड बना है, बड़े से बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। और क्या विकास आप चाहते हैं बताइए, किस क्षेत्र में नहीं है? अपराध के क्षेत्र में जितना अंकुश भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में अपराध पे अंकुश लगा है, अपराधी अब किसी का घर नहीं गिरा रहे हैं, किसी की जमीन कब्जा नहीं कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियां पूछ लीजिए 12 बजे रात को अपने घर आराम से जा रही आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मानसिक रोगी कुछ होते हैं जो अपराध छोटे मोटे कर दिए हैं, तुरंत वो जेल के सलाखों के अंदर जाते हैं, कोई घूमता नहीं है। अभी आपके यहाँ की घटना आपको लखनऊ की बता दें, जो 3 दिन से चल रहा था कि आप पर एक परिवार का जम्मू कश्मीर में क्या हो गया क्या नहीं हो गया, उसकी घटना का पट्टा छेप अपने हमारी सरकार, हमारे पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में इसी लखनऊ की पुलिस ने कर दिया, पट्टा छेप कर दिया, जम्मू कश्मीर सरकार को बदनाम नहीं होने दिया, जो दोषी था उसको सजा मिलेगी, अब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ऐसे मानसिक रोग भी अपराधी कोई इसी जात का धर्म का नहीं होता है, ये मानसिक अपराधी होते हैं जिनका नेचर होता है अपराध करना, ऐसे लोगों को पालते हैं आप, ठीक है, और सरकारें ऐसे लोगों को पालती हैं। आपका पहला नाम सूची का जेल में है और अंतिम नाम बेल पे है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगा दीजिए। और जहां तक रह गई बात कांग्रेस में, रीता जी पे जो आरोप लगा, रीता जी कहीं नहीं जाने वाली है, रीता जी ने ये नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगी, रीता जी ने ये कहा, उनका बयान आया कि मैं अगली लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी, ये बात है। कहीं हमारी पार्टी एकदम सुसंगठित है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह के नेतृत्व में, माननीय जेपी नड्डा के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय स्वतंत्र देव जी के नेतृत्व में, पूरी तरह से हमारी पार्टी सुचारू रूप से चल रही है और विजय हासिल करेगी। अगली बार 350 पार। ठीक है दिवाकर जी, प्रिंसिपल जी क्या कह रहे हैं? मुझे मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा कोई बीच में नहीं बोलेगा, मैं समझता हूँ मेरे बीच में भी नहीं बोलेंगे। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में या भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ शासन है वहाँ पे कहीं पे बच्चियों के साथ बलात्कार भी होता है, ये मानसिक रोगी होते हैं। कश्मीर में 8 साल की बच्ची के साथ एक धार्मिक स्थल पर बलात्कार होता है, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो थे वो मानसिक रोगी थे जो सड़कों पर उतर आए थे। कुलदीप सिंह सेंगर जो है उनके पूरे परिवार खानदान जो बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं, उनके पिताजी को मार दिया जाता है, उनकी माँ को मार दिया जाता है, खानदान बुआ मौसी कोई एक नहीं बचता उनके घर पे, उनको बचाने का काम क्या जिसने जिस योगी आदित्यनाथ जी ने किया था वो मानसिक रोगी थे। गलत सुन रहे हैं,
मैंने कहा कि मानसिक रोगी होते जो अपराध करते हैं, बचाने वाले को नहीं कहा। आप गलत बात पे जा रहे हैं, आप गलत बात पे जा रहे हैं। आप पूरी बात सुनिए, आप पूरी बात सुनिए। मैंने मानसिक रोगी है जो अपराध करते हैं, मैंने ये कहा। ये नहीं कहा बचाने वाला मानसिक रोगी, आप गलत बोल रहे हैं। देखिए सुरमान जी, मेरी बात सुनिए। मैं भाजपा के मुखिया 24 करोड़ का जवाब देना चाहता हूं। वो एक वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं है, वो दलितों के भी मुख्यमंत्री है, अगड़ों के भी है, पिछड़ों की है, अल्पसंख्यकों के सबके मुख्यमंत्री है। तो वो लाठी एक जगह क्यों चलाते हैं? उनकी बुलडोजर की गाड़ी एक तरफ की चलती है, उनकी बुलडोजर उसके घर पर क्यों नहीं चलती? जो गोरखपुर में एक व्यापारी को मार देता है, उनकी बुलडोजर अजय मिश्रा टेनी के घर पे क्यों नहीं चलती, जिसका पुत्र अपने पिता के ऊंचे पद के अहंकार में उन किसानों के, जो बेचारे किसान पैदल जा रहे थे उनके ऊपर गाड़ियों से रौंद देता है, उनकी गाड़ी उसके ऊपर क्यों नहीं चलती है? वो बुलडोजर गाड़ी उनके ऊपर क्यों नहीं चलती है? तो उन्हें स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर तो कर दिया बीजेपी वालों ने। मैं आलमबाग की बात बता रहा हूँ, खुलेआम गोलियां चलती है, आभूषण केंद्र के कई लोगों को मार के चले जाते हैं, कई व्यापारियों को रौंद के चले जाते हैं, उनके ऊपर उन घरों में बुलडोजर क्यों नहीं चलते योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के? क्योंकि वो समय अब चला गया है। अब वो आपके माननीय और श्रद्धेय जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, अब वो मुख्यमंत्री वर्तमान में है, वो आगे नहीं रहेंगे, ये जनता ने ठान लिया है। ठीक है, आप लोगों ने जो जो वादे 2017 में किए थे, एक भी वादे पे अगर खड़े उतर जाते, मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए आगे आता। मगर भारतीय जनता पार्टी ने जो 2017 में जो जो वादे किए थे, उसमें से आप 5 वादे भी गिना दे के जमीन पे आपने उतार दिए हैं। मैं अभी से आपको कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा और लोगों से कहूंगा, अगर नहीं दिए हैं तो आप भी वचन लीजिए कि उस भारतीय जनता पार्टी को दोबारा उत्तर प्रदेश में नहीं आने देंगे और आप पर आपके घर का वोट वहां पे नहीं जाएगा, ये भी वचन दिया। ठीक है सर, थैंक यू। मैं आता हूं आपके पास अभी। रामिरदा जी अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मैं चंद्रेश भाई आ रहा हूं आपके पास। अभी आपने दिवाकर जी की बात सुनी, उस बात से कितना सहमत हैं आप? उन्होंने बिजली को लेकर भी बोला, उन्होंने ये भी बोला कि आपकी लिस्ट में जो पहला प्रत्याशी था वो जेल में है और आखिरी वाला बेल पे है। देखिए, अभी इंडिया वॉच सर्वे का ही एक रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे ज्यादा दागी विधायक अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी केवल और भाषण और राशन के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है। आपके प्रत्याशी क्यों गिना रहे हैं कि उसमें अपराधी वाले हैं? देखिए, सबसे ज्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी के पास है और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास अपराधी है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जो भाजपा में जाएगा उसको पाप धुल जाएगा और दूसरे दलों में रहेगा तो अपराधी हो जाएगा। स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता अब खारिज कर चुकी है, नकार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा उठ गया है। श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के ये पहले मुख्यमंत्री है कि जिसके खुद ही कार्यालय के 20 जिले के जिलाधिकारी और 5 मंडलों कमिश्नर फोन नहीं उठाते हैं और पूरी की पूरी सरकार आज स्थिति हाथ पे हाथ धरी बैठी है। टीम 11 बना करके पूरी अधिकारी सरकार को चला रहे हैं। स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो गई है। आपने देखा कोरोना काल का नाम लिया, कोरोना में किस तरह से हमारे 2 स्वर्गीय मंत्रियों का निधन हो गया। स्वर्गीय माननीय चेतन चौहान जी कितने अच्छे व्यक्ति थे, कमल रानी वरुण जी जो दलित समाज से थी उनका निधन हो गया, एक गंगवार साहब बरेली के विधायक थे और वो फोन करते रहे मुख्यमंत्री कार्यालय तक कि मुझे बेड दिला दिया जाए और उनका भी स्वर्गवास हो गया, वो भी चल गए। औरैया की दलित समाज के विधायक थे दिवाकर, वो भी चले गए। कहां इन्होंने कोरोना में कोई प्रबंध किया, सबको मरने के लिए छोड़ दिया, यही लखनऊ में लाशें जलती थी। स्थिति यही कि इन लोगों ने इतना एकदम समझ लीजिए कि वो किया कि जनता त्राही त्राही हो गई थी। उत्तर प्रदेश की जनता इनको नकार चुकी है और आज किस तरह से देख लीजिए कि दलितों पिछड़ों के सबसे बड़े नेता दारा सिंह चौहान हो, चाहे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे धर्म सिंह सैनी हो, सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, जो यही भाजपा दलितों पिछड़ों की नाम पे आई थी, अंबेडकर के नाम पे आई थी, बुद्ध रविदास कबीर के नाम पे आई थी, आज स्थिति ये है कि कुछ जाति और वर्ग और विशेष पे काम करने के नाम पे, कुछ अधिकारियों के जात और वर्ग विशेष के नाम पे काम करने की वजह से सारा का सारा दलित बैकवर्ड भाजपा को छोड़ करके और समाजवादी पार्टी में आ रहा है। माननीय अखिलेश जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है और दलित और बैकवर्ड और समाज के लोग माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार। ठीक है चंद्रेश, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात थी उनकी बात को मैं बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था और मैं चाहता हूं कि मैं एक एक बात का जवाब दे दूं। प्लीज, उन्होंने कहा कि उन्होंने
चांद और मंगल की यात्रा की। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इसरो की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ था और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले हमारे वैज्ञानिकों ने चांद और मंगल की दूरी नाप ली थी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये अनाज बांट रहे हैं और लोगों को भूखा सोना नहीं पड़ रहा है। ग्लोबल हंगर अभी रिपोर्ट आया है जिसमें ये कहा गया है कि भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वें पायदान पर है, यानी उसकी स्थिति अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी खराब है। सुन लीजिए, बांग्लादेश से भी खराब है। 2014 में जब मनमोहन जी की सरकार थी यह रैंकिंग 55 हुआ करती थी, अब 101वें पर है। नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत में गरीबी में नंबर 1 पर है। लगातार देश की जीडीपी बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, खाने पीने के सामान महंगे हो रहे हैं। आपने कह रहे हैं आपने विकास किया, जब ये देश आजाद हुआ तो न गांव में, ठीक है ठीक है, थैंक यू, समय कम है चंद्रेश भाई, समय कम है, मैं आऊंगा फिर आपके पास। गांव के स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक बनवाने का काम कांग्रेस ने, ठीक है, आपकी बात आ गई, केंद्र हर ब्लॉक से लेकर आ गई, आपकी बात आ गई चंद्रेश भाई आ गई। सुभाष जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। नितिन जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, चंद्रेश जी ने ये बात अपनी फिर से रिपीट कर दी, एनआरसीबी के आंकड़े वगैरह जो बता रहे थे दोबारा, इसीलिए मैं दिवाकर सिंह जी से ये पूछना चाहता हूँ कि दिवाकर सिंह जी ने अभी ये बात बोली थी कि रीता बहुगुणा जोशी ने ये बोला है कि अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक बार फिर से उनसे पूछिएगा जरा ये सवाल, तो फिर मैं जवाब देता हूँ जरा। हाँ, उन्होंने ये कहा, कहीं नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगी लड़के को टिकट नहीं, उन्होंने ये आपका आपके लोगों द्वारा गलत आरोप है उनका, मैंने भी बयान सुना है, उन्होंने कहा कि अगला लोकसभा चुनाव मैं नहीं लड़ूंगी, इस तरह का बयान दिया उन्होंने। दिवाकर जी बस वही सुनना था, दोबारा सुन चुका था मैं, लेकिन फिर आपको मुझे उनका था कि अगला लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ूंगी। दिवाकर जी सुन तो लीजिए, अगर कोई शर्त है, ठीक है दिवाकर जी सुन लीजिए, कोई शर्त है तो उनका चुनाव लड़ने का तरीका, ठीक है सर, जवाब ले लीजिए, समय बिल्कुल कम है। हाँ सुभाष जी, दिवाकर जी आप होमवर्क करके नहीं आए हो या फिर आप बैठे? आज का पेपर है, आज पेपर की बात मत जानिए, पेपर की बात मत जानिए, पेपर की बात मत जानिए, पेपर के प्रवक्ता जो बोल देते हैं वही सच है, उसका पेपर की बात मत जानिए, वो झूठ को ही सच मानते। चंद्रेश भाई प्लीज, इस्तीफा देने की पेशकश की है और आप उसको 2024 में ले जा रहे हो। मैंने उन्होंने आप जो बोलते हो ना आवास योजना की बात, ये बात कर रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम ही कांग्रेस के टाइम पे राजीव गांधी प्रधानमंत्री आवास योजना था, जिसको आपने बदल कर सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, तो मैं यहाँ काउंटर करूंगा, इंदिरा आवास योजना का नाम इन्होंने, ठीक है ठीक है चंद्रेश भाई, ठीक है, सूत्रों वगैरह पे चले गए, मुख्यमंत्री आवास भी है प्रदेश के अंदर, प्रदेश के काम गिनाइए ना जरा, जनता। अच्छा सुभाष जी, मैं एक चीज ये कह रहा था, मैं मेरा एक छोटा सा सवाल ये था, जल्दी से जवाब दीजिएगा, समय बिल्कुल कम है, ये कांग्रेस वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश में आकर अपना काम काहे गिनाते हैं? ये इनके पास कुछ बचा नहीं था गिनाने के लिए, कुछ नहीं बचा, अपने राज्य के अंदर तो पूरी तरह से फेल हो रहे हैं ये, अब जंगली जनाधार इनका धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये बताइए भाई साहब, राजनीति विश्लेषक साहब, जब प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में प्रचार करने आ सकते हैं, गृह मंत्री आ सकते हैं, तो कांग्रेस के दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में प्रचार करने क्यों नहीं? ये दूसरे राज्य वाले अपना प्रदेश क्यों नहीं देखते? मेरे पास एक रिपोर्ट है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि सितंबर में, सुनिएगा, सितंबर में भी बीता जो सितंबर है, यहाँ पर 11 हत्याएं हुई हैं और 51 रेप हुए हैं पश्चिम बंगाल में। सुन लीजिए चंद्रेश भाई, अब सुन लीजिए अभी आप मुझसे कह रहे थे, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, बीते 9 महीने का मामला अगर मैं आपको बता दूं तो 57 मर्डर हुए हैं अनुसूचित जाति वालों के, और 8 मामलों में अभी तक FIR पे जो लीपा पोती होनी थी वो चल रही है राजस्थान में। इस वर्ष 2019 का जो ग्राफ आप देख रहे हैं, 2019 से इस साल 16.33% ज्यादा अपराध राजस्थान में हुए हैं, तो ये राजस्थान वाले कौन सा काम बताने उत्तर प्रदेश आते हैं भाई? सिर्फ लड़की हमने जो इंडिकेट किया हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब, अरे मेरा भी तो जवाब दीजिए, अभी आपने कहा था कि कुछ बताओ, ऐसा वही मैं जवाब देने जा रहा हूँ जल्दी से। इन्होंने चिन्मयानंद जिनके ऊपर बलात्कार का मुकदमा, अरे सर मैं राजस्थान पे सवाल पे पूछ रहा हूं, वापस कर लिया, हाथरस के बलात्कारियों को सजा देने की बजाय बलात्कार पीड़िता को कूड़े के ढेर पर रखकर जला दिया, कुलदीप सेंगर
किस तरह से एक परिवार को प्रताड़ित करते हैं, बलात्कार करते हैं, फिर भी कुलदीप सिंगर सेंगर को चलिए आप राजस्थान में लग रहा बोलना नहीं चाह रहे, कम से कम आप राजस्थान में बोलना चाह रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है, बोलेंगे क्या भाई साहब, कोई घटना घट रही है। समय समय कम है हमारे पास, समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बातें रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और चुनाव को देखते हुए जो राजनीतिक परिदृश्य है वो लगातार बदल रहा है, बड़ी बड़ी ज्वाइनिंगें हो रही हैं, दल बदलने की प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद जो प्रत्याशी हैं उन पर मंथन भी चल रहा है, लेकिन इन सबके बीच में जो कोविड का थर्ड वेरिएंट है वो भी अपने पैर पसार बहुत तेजी से रहा है। तो मेरी आपसे ये अपील है कि चुनाव में तो जाइए, चुनाव की तैयारी अपने मुद्दे रखिए, लेकिन उसके पहले अपने चेहरे पर मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और हो सके तो थोड़ी दूरी बनाइए, क्योंकि अगर जान है तभी वोट है और जान तभी है जब आप कोविड को देख करके कोविड के लिए जो एहतियात है वो बरतेंगे। आज की डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।